The next topic we are going to deal is liquefaction of gases and critical conditions. Okay. Now, see, how can we liquefy gases? Gases are liquefaction gases. Like I said, chamber process. We don't need heat condenser, liquid cool version. Pressure pump. एग्जैक्टली मतलब कोई भी नॉर्मल इंसान सोचेगा तो ऐसे ही सोचेगा, ठीक है, कि अगर मैं प्रेशर बढ़ाते जाता हूँ तो अ टाइम विल कम जब हमारे गैसेस लिक्विफाई कर जाएंगे. Am I right? That is what scientists also thought. At this time, and temperature का क्या किया जाएगा? So gases का temperature करेंगे, gases का temperature कम करेंगे तो वो liquefy हो जाएगा, ठीक है? हाँ सर. Very good. चलेगा. तो basically क्या क्या pressure बढ़ाएंगे? हाँ, प्रेशर बढ़ाएंगे और टेम्परेचर घटाएंगे तो लिक्विफाई कर जाएगा. तो ये चीजें तो हमें पता चल गई थी, बट एग्जैक्टली प्रेशर का रूल क्या है और टेम्परेचर का रूल कितना है ये समझना, या ये बेसिकली साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू समझा. दे टुक डिफरेंट गैसेस एंड ट्राइड टू लिक्विफाई देम एट रूम टेम्परेचर बाय कंप्रेसिंग देम, दैट इज बाय इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन देम. They found that some of the gases they are being able to compress them to form liquids, but काफी सारे gases ऐसे भी हैं जिनको liquefy वो नहीं कर पा रहे हैं, despite of the fact that they are applying too high pressure. ठीक है, जैसे 9,000, 10,000, 20,000 atm pressure तक apply करके भी they are unable to compress them to the liquid state. So from there they got to understand that the pressure is not a sufficient condition. Okay? Pressure is not a sufficient condition. The sufficient condition is you have to have some optimally low temperature if you want to convert a gas into liquid. Okay? Optimal temperature. ठीक है, इफ यू वॉन्ट टू कन्वर्ट अ गैस इनटू लिक्विड, इफ यू आर ऑपरेटिंग अबव दैट ऑप्टिमल टेम्परेचर देन नो मैटर व्हाट प्रेशर आर यू गोइंग टू अप्लाई ऑन द गैस विल रिमेन द गैस एंड विल नॉट गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड्स. इज दैट ओके? बात समझ में आ रही है? एक ऑप्टिमल टेम्परेचर, अगर मेरा टेम्परेचर इस टेम्परेचर के, इसको जो भी बोलना है बोल दो, ठीक है, इस टेम्परेचर के अगर ऊपर है, दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर. ठीक है, इस टेम्परेचर के ऊपर अगर मेरा टेम्परेचर है, एनवायरमेंट टेम्परेचर, यानी गैस इस टेम्परेचर के ऊपर में है, तो फिर नो मैटर व्हाट आई डू आई कैनॉट कॉम्प्रेस दैट गैस टू लिक्विड फॉर्म. ठीक है, I can compress it to liquid form if and only if I come below its peak. Is that okay? Yes, sir. Up the moment we understood this phenomena, then came two things. Then latent heat of fusion वगैरह होता ही है थी. Latent heat of evaporation वगैरह different thing है. उससे इसका लेना देना कुछ ज्यादा नहीं, वो लिक्विड से गैस कन्वर्सन के लिए है और होगा तो उतना हीट देना पड़ेगा और जब वो उधर से इधर कन्वर्ट होएगा तो वो उतना हीट रिलीज करेगा. ठीक है, उसका इससे कुछ लेना देना नहीं है. वो ये है कि अगर प्रोसेस होता है तो फिर उतना हीट चाहिए होगा हमें, और प्रोसेस होता है कि नहीं होता है इसकी गारंटी वो नहीं देता. आप उतनी हीट प्रोवाइड करोगे तो हो ही जाएगा. ठीक है, सो वी डोंट हैव टू बॉदर अबाउट इट, या उतना हीट निकालेंगे तो वो हो ही जाएगा, ऐसी गारंटी नहीं है.
मतलब सप्लाई करने से तो डेफिनेटली समझ में आता है कि वो कन्वर्ट हो जाएगा, बट जब हम निकालेंगे उसमें से उतना ही, तो जरूरी नहीं है कि वो लिक्विड स्टेट में आएंगे। ठीक है, देयर कैन बी समथिंग एल्स व्हिच कैन टेक प्लेस, वी विल डिस्कस अबाउट दैट इन थर्मोडायनेमिक्स, डोंट वरी। अभी लैटेंट हीट में नहीं जा रहे हैं, अभी सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट्स, और वो भी ब्रॉड फिजिकल एस्पेक्ट्स, लाइक अगर हम कॉम्प्रेस कर रहे हैं तो उसको लिक्विड हो जाना चाहिए, बट पॉइंट ये है कि सारे गैसेस लिक्विड नहीं हो पाते हैं एट रूम टेम्परेचर। इसका मतलब है कि देर इज समथिंग एल्स विच इज ऑल्सो हैज टू बी सेटिस्फाइड, दैट ऑल्सो वॉज क्रिटिकल टेम्परेचर। दैट मीन्स अ गैस बिलो इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर कैन बी कॉम्प्रेस to liquid form by applying sufficiently high pressure, ठीक है? But if a gas is above its critical temperature, then no matter what pressure are you going to apply on it, it is definitely not going to get converted to its liquid form. Clear? Or any trouble? Okay. And from here comes two types of gases. ठीक है, दो अलग अलग वेराइटीज बन गई हमारे पास। एक को हमने नाम दिया परमानेंट गैस, विच वी कॉल जस्ट गैस, ठीक है, और एक दूसरा कैटेगरी डेवलप हुआ विच वी कॉल वेपर। ठीक है, वेपर इज नॉट गैस। There is difference between vapor and gas. What is that difference? So gas is in critical condition or high temperature. It is being converted from liquid to gas. Vapor जो होता है, vapor को हम convert कर सकते हैं back to liquid. ठीक है? It is in fact in equilibrium with liquid phase, more or less. बट गैस को आप लिक्विड, गैस को आप लिक्विड में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं, इट्स इनकन्वर्टेबल। परमानेंट गैस, हाँ, परमानेंट गैस को गैसियस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं, आपको पहले गैस को वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा और वेपर से फिर आप लिक्विड में कन्वर्शन कर सकते हैं। आप बोलिए, बोलिए क्या बोल रहे हैं सर। मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि हम लोग वेपर नॉर्मल टेम्परेचर्स पर, रूम टेम्परेचर पर जनरली लिक्विड रहता है, और गैस जो है नॉर्मल टेम्परेचर पर गैस रहता है। नॉर्मल टेम्परेचर, जीरो टेम्परेचर पर क्या रहता है? गैस। और मतलब कि वेपर जो है वो लिक्विड रहता है। उल्टा बोलेंगे ना। अच्छे, अच्छा, जीरो टेम्परेचर से आपका मतलब क्या है? जीरो डिग्री सेल्सियस यू आर टॉकिंग अबाउट? नहीं, नॉर्मल टेम्परेचर। नॉर्मल टेम्परेचर पर वो क्या है? गैस। गैस जो है वो गैसियस फॉर्म में रहेगा और वेपर लिक्विड फॉर्म में रहेगा, या फिर मतलब कि सॉलिड भी रह सकता है। नहीं, वेपर का मतलब होता है, वेपर का मतलब भी गैस ही होता है। इट विल हैव सेम फ्लूइडिटी स्टेट स्टेट। द मॉलिक्यूल्स आर गोइंग टू बी सेपरेटेड एनाफ, द मॉलिक्यूल्स आर इंट्रैक्शन फोर्सेस आर वीक, दे आर गोइंग टू ऑक्यूपाई द एंटायर वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, दैट इज दे डोंट, दे डू नॉट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम नॉर दे डू हैव फिक्स्ड साइज, फिक्स्ड स्टेट। ठीक है, जो कंटेनर का सेप रहेगा वही उनका सेप हो जाएगा। मेकिंग सेंस? यस सर। तो अब पॉइंट है कि पॉइंट ऑफ डिफरेंस कहाँ पे आया? पॉइंट ऑफ डिफरेंस जो है वो यहां से आता है, इस बात से आता है कि अगर कोई गैस है या वेपर है, तो वेपर को मैं
जस्ट बाय अप्लाइंग प्रेशर आई कैन कन्वर्ट इट बैक इनटू लिक्विड फेज, ठीक है, और प्रेशर को कम किया हमने सफिशियंटली तो वो फिर लिक्विड से वेपर फेज में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा. इज दैट ओके? बट जो परमानेंट गैसेस हैं, परमानेंट गैसेस, उनके साथ क्या प्रॉब्लम है? उनके साथ प्रॉब्लम है कि उनको अगर इस टेम्परेचर पे, नॉर्मल टेम्परेचर की अगर बात करता हूँ, या वेपर भी नॉर्मल टेम्परेचर पर लिया है मैंने, तो वेपर का क्या होगा, प्रेशर बढ़ाने से ये इंक्रीज करने से इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट, और कम करने से प्रेशर में क्या हो जाएगा, इट विल अगेन बिकम गैस. सो इंटर कन्वर्सन इज पॉसिबल. वेयर एज गैस के साथ जब हम देखेंगे तो गैस के केस में इफ वी आर ऑपरेटिंग एट रूम टेम्परेचर, नो मैटर वॉट प्रेशर आर वी गोइंग टू अप्लाई, इट इज स्टिल गोइंग टू गेन दैट लिक्विड स्टेट ओनली. गैस, हाँ, गैस जो है परमानेंट गैस है, और परमानेंट गैस का नेचर क्या होता है, इट विल रिमेन एज गैस नो मैटर हाउ हाई प्रेशर डू वी अप्लाई ऑन इट. क्लियर? हाँ सर. सर वो मुझे ना सर, वो आपने क्या बोला, क्रिटिकल टेम्परेचर या फिर क्रिटिकल कंडीशन, गैस होगा क्रिटिकल के नीचे होगा तो प्रेशर लगा सकते हैं. और क्रिटिकल कंडीशन से नीचे, यानी टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे अगर हुआ तो हाँ प्रेशर लगाएंगे एंड इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, एंड दैट स्टेट ऑफ अ मटेरियल इज नोन एज वेपर स्टेट. ठीक है, वेपर स्टेट का मतलब क्या है, इट स्टूड और इट मस्ट बी इंटर कन्वर्टेबल विद इट्स लिक्विड स्टेट. ठीक है, जस्ट बाई चेंज इन प्रेशर. ठीक है, विदाउट सप्लाइंग एनी हीट और एनीथिंग एल्स, जस्ट बाय चेंज ऑफ प्रेशर वी कैन हैव बैक एंड फोर्थ मूवमेंट. दैट इज पेपर से लिक्विड और लिक्विड से पेपर कन्वर्सन हो सकता है. ठीक है, टीसी या टीसी से कम टेम्परेचर पर. Making sense? But इसी के ऊपर अगर हम एक बार भी आ जाते हैं तो क्या हो जाएगा, चलो फिर let us write down. क्या मैंने पूछा, कहा मैंने बताया, उसने किसी का आंसर नहीं है, बस ऐसे मैंने जोड़ा. चलो आगे बढ़ते हैं. ठीक है, पहले मैं थ्योरी लिखता हूँ थोड़ी थोड़ी, फिर gases are not converted to liquid state even after applying other gas, other gases can be converted
यहाँ पे रूम टेम्परेचर whereas other gases converted to liquid still by further noticed than those gases which do not convert room temperature at some more temperature the minimum temperature of the bridge of gas can be converted to liquid there be by
Is known as its critical temperature or TC. Okay? The other way to define TC is the temperature, the minimum temperature. The minimum temperature. Above which a gas cannot be converted to a gas cannot be converted to liquid merely by creation. I'll have a look at it. Merely there are. Okay. Asking the job and correct. आपने ऊपर ऑफिस में तो मैं आपको करेक्ट करने वाला था बट आपने करेक्ट कर दिया. हाँ बोलो सर. क्रिटिकल वॉल्यूम जो होता है वो होता है कि द मोमेंट वी आर एट क्रिटिकल टेम्परेचर व्हाट इज द मिनिमम प्रेशर व्हिच इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट गैस इनटू लिक्विड. ठीक है, दैट्स क्रिटिकल प्रेशर. क्रिटिकल टेम्परेचर पर जो प्रेशर हमको चाहिए इन ऑर्डर टू कन्वर्ट द लिक्विड इन टू गैस इन टू लिक्विड इज कॉल्ड क्रिटिकल प्रेशर. ठीक है, बात समझ में आ रही है? हाँ. एंड क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर के एप्लीकेशन पर जो वॉल्यूम करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम रहेगा गैसेस स्टेट का दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल वॉल्यूम पीसी. ठीक है, ये तीन क्रिटिकल वॉल्यूम वालों में. देखिए, अगर पीसी क्रिटिकल प्रेशर है, पीसी क्रिटिकल टेम्परेचर है, तो इन दोनों को जब हम अप्लाई करेंगे अपने सिस्टम के ऊपर, क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल टेम्परेचर, तो ऑब्वियसली एक वॉल्यूम हमारा आएगा उस गैसीय सिस्टम का, राइट ना? वो गैस का वॉल्यूम होगा. ठीक है, बाद में वो लिक्विड का वॉल्यूम हो जाएगा. देयर इज अ इक्विलिब्रियम. सिंपल क्या क्या उतना ही वॉल्यूम, मतलब जो गैस का ये जो वॉल्यूम क्रिटिकल रहेगा सर वही, मतलब जो गैस का रहेगा वो उतना ही वॉल्यूम मतलब लिक्विड का. हाँ, उतना ही वॉल्यूम लिक्विड का भी रहेगा क्योंकि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे दोनों इंटर कन्वर्टेबल होंगे. ठीक है,
So this volume is going to be called as critical volume. Critical pressure, critical temperature, and critical volume. वो तीनों सबसे एक दूसरे से इक्विवेलेंट रहेंगे, मतलब करस्पॉन्डिंग रहेंगे. Obviously, तीनों से तीनों related होते हैं आपस में भी, और तीनों related होते हैं with intrinsic properties, that is E and P के साथ related रहते हैं, ठीक है. And इनको यूज करके या इनके बेसिस पर जो हम इक्वेशन ऑफ स्टेट निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट और इक्वेशन ऑफ ये करस्पॉन्डिंग स्टेट और रिलेटिव स्टेट, ठीक है. एनीवे एक चीज और यहां पर मुझे क्रिटिकल टेम्परेचर बताने के बाद The next thing is the gaseous system above its critical temperature. Is referred as permanent gases. Is that okay? यहां तक चीजें समझ में आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? वेरी गुड. परमानेंट गैस भी समझ में आ गया, क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर टेम्परेचर कर दिया तो एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर से वो लिक्विफाई नहीं हो पाएगा, इसलिए उसको परमानेंट गैस बोलते हैं. हाँ, कभी लिक्विफाई नहीं होगा अगर हम उसका टेम्परेचर नीचे नहीं करते, ठीक है. The gaseous system below its critical temperature. Is referred as vapor. ठीक है, बात समझ में आ रही है हम लोगों को? फिर से बोलो. तो क्या बन गया वो? वेपर हो गया, ठीक है. क्लियर है सारे लोगों को ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है. वेपर और परमानेंट गैसेस के बीच में डिफरेंस, वन इज गैस अबव इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर एंड अनदर इज गैस बिलो इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर. That is in between its melting point and critical temperature. ठीक है? सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करो. सर हो गया. सर परमानेंट वाला लिखा है. Minimum
of gas, liquid, and air critical temperature. Electrode as EC. Theta, then comes the volume by the gaseous phase at critical temperature. ठीक है, अब अगली चीज जो है वो अगेन इट इज गोइंग टू कम फ्रॉम CO2 का एक एक्सपेरिमेंटल ग्राफ होता है जिसमें इनिशियली इन्वेस्टिगेटेड प्राइमरली फॉर CO2 but then it is applied for almost everything. The normal graph is going to look something like this only. Pressure volume graph.
there is some correction over there. Just a second, मैं बता रहा हूँ. The two definitions has to be modified. In a mistake. The right definitions are like this. The volume occupied by one mole of the gas at critical temperature is known as critical volume. This and the pressure corresponding to gaseous phase at critical temperature and critical volume. VC is known as critical pressure. सर वो ऊपर वाला पॉइंट भी लिखना है ना. Known as critical pressure. क्या बोल रहे हो? सॉरी क्या पूछ रहे हो? सी वो डेफिनेशन लिखाने में गड़बड़ हो गया था. Something wrong strike to my mind. And I gave a wrong definition. The correct one is this. Volume occupied by one mole of gas at critical temperature is known as critical volume, and the pressure corresponding to critical temperature and critical volume is known as critical pressure. यहाँ पे दिस ग्राफ इज नोन एज बेसिकली ये प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ है फॉर कार्बन डाइऑक्साइड. सेकेंड फॉर्म लिखा. हाँ दिस डायग्राम इज ऑल्सो नोन एज Andrew curve, or for that matter, Andrew isotherm. This particular graph is for carbon dioxide. It is Andrew curve for carbon dioxide or Andrew isotherm for carbon dioxide. So temperature constant. Isotherms. Ha and oh sorry. Isotherms for CO2.
टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है यस, इस लाइन के अलोंग द टेम्परेचर इज 50 डिग्री सेल्सियस, ग्रीन लाइन के अलोंग द टेम्परेचर इज 31.1, अलोंग ब्लू लाइन द टेम्परेचर इज 30.98, अलोंग वॉयलेट लाइन इट इज 21.5, लाइट ब्लू इट्स 13.1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और टेम्परेचर हम लोग जैसे जैसे बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है, अगर टेम्परेचर को और बड़ा करेंगे तो दिस कर्व इज गोइंग टू बी अ परफेक्ट हाइपरबोला, ठीक है, परफेक्ट हाइपरबोला। एंड इस कंडीशन में इट विल बी बिहेविंग एज अ आइडियल गैस, आइडियल और परफेक्ट गैस, इज दैट ओके। सो एज माई टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग द गैस CO2 इज बिहेविंग मोर एंड मोर आइडियल, ठीक है। But if I am decreasing my temperature and trying to plot the isotherm, it happens or it is found that the deviations from ideality is increasing slowly and slowly, and like a temperature of 30.98, it was observed that while compressing it, some drops of liquids are being formed in the process. ठीक है, temperature को और अगर नीचे किया तो we have this kind of plot where it is in gaseous phase sterility, B से C के बीच में it is primarily mixture of vapor and liquid, and then gas and liquid equilibrium system, and then slowly and slowly things get converted completely into liquid, and then we have a kind of very steeper graph. Okay, steeper graph ka matlab you increase very high pressure, you change pressure by high amount and the volume change will be quite lower. Okay, so you will have a very steeper graph towards the left end. Is that okay? इसमें एक छोटी सी चीज और भी मुझे समझानी है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई वॉन्ट अगर मैं 20 या 21 डिग्री सेल्सियस के ऊपर गैस को कॉम्प्रेस करता हूँ CO2 को स्पेशली, this was the temperature, this was the isotherm temperature at which the first droplets of liquid was observed, 30.98 के below किसी भी temperature पे अगर मैं compression करता हूँ तो I am always going to pass through this particular
blue portion of the curve, which is actually going to be a mixture of vapor and liquid state. ठीक है, vapor and liquid state. Is that okay? Yes. Suppose I decide not to have this in my conversion. That is single state conversion मुझे चाहिए. Single state state conversion चाहिए. Single state state conversion का मतलब क्या हुआ? एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे पास या तो गैस रहे या फिर सारा का सारा एक साथ लिक्विड फॉर्म में, या तो सारा का सारा एक साथ मेरे पास गैस फॉर्म में रहे या फिर सारा का सारा मेरे पास एक साथ लिक्विड फॉर्म में रहे. एंड देयर इज नो स्टेट एंड देयर इज नो पॉइंट वेयर वी हैव बोथ द स्टेट्स कोएग्जिस्टिंग टुगेदर. ठीक है, दैट इज कॉल्ड कन्वर्सन इन और सिंगल स्टेट कन्वर्सन. ठीक है, या सिंगल स्टेट कन्वर्सन. हाउ इज दैट पॉसिबल? दैट वॉज अगेन इट इज एन आउटकम ऑफ एंड्रयू कर्व. वी कैन बी एट एनी हायर टेम्परेचर. ठीक है, एंड वी नो वॉट इज आवर क्रिटिकल पॉइंट फॉर एनी गैस इज. सो सपोज आई एम ऑपरेटिंग एट 50 डिग्री सेल्सियस एंड आई decrease my pressure to a sorry increase my pressure to a significantly high value such that I'm somewhere on this line. ठीक है, तो यहां तक मैं पहुंचा इसके थ्रू, इस कर्व के थ्रू. एंड देन सडनली आई स्टार्टेड डिक्रीजिंग माई टेम्परेचर. सॉरी आई स्टार्टेड डिक्रीजिंग माई टेम्परेचर, सडन डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर. ठीक है, विदाउट चेंजिंग द प्रेशर I suddenly start to decrease my temperature, right? So what will happen? The moment I'll fall below this line, the moment I fall below this line, my entire thing will get converted into liquid state. The moment I fall down below this line, वाली वैल्यू, तो यानी टेम्परेचर अगर इस वैल्यू से यहां से कम कुछ भी हो गया, कर दिया मैंने क्रिटिकल टेम्परेचर से कम, 50 पर था, यहां तक कॉम्प्रेस किया हुआ है मैंने इस हाई प्रेशर तक, एंड सडनली मैंने टेम्परेचर को 31 से कम कर दिया या 30 के बराबर कर दिया. ठीक है, व्हाट विल हैपन? The entire thing will get converted into liquid instantaneously. Is that okay? Am I making sense? Sir, मतलब temperature कम किया 31 से तो फिर हाँ volume कम हो जाएगा. हाँ वॉल्यूम कम होगा ना, डेफिनेटली वॉल्यूम कम होगा. एंड प्रेशर बढ़ जाएगा तो फिर क्या बढ़ जाएगा? प्रेशर. प्रेशर क्यों बढ़ेगा? आई सेड मैं टेम्परेचर को कम करता हूँ सडनली. ठीक है, टेम्परेचर कम करूंगा सेम वॉल्यूम के लिए तो प्रेशर मेरा डिक्रीज करेगा ना. इज दैट ओके? हाँ सर, वॉल्यूम बढ़ेगा. वॉल्यूम सेम रहेगा बच्चा. व्हाट आई सेड इज, मैंने जो बोला वो ये बोला कि इसी एक आइसोथर्म के अलॉन्ग मैं प्रेशर को इंक्रीज करता, knowing the fact that I am above critical temperature and I have started increasing my pressure. ठीक है, I went to this value which I know it is sufficiently large enough pressure. ठीक है, अब ये जो मेरा temperature है which is 50 degree Celsius, मैं यहां से suddenly अपने आप को fall down कराता हूँ. फॉल डाउन एज इन टेम्परेचर फॉल डाउन.
50 से मैं 30 डिग्री सेल्सियस पर आकर के सेटल हो गया, ठीक है। अब 30 डिग्री सेल्सियस क्या है, इसके क्रिटिकल टेम्परेचर से छोटा है, तो व्हाट विल हैपन, द प्रेशर इज वेरी हाई, देयरफॉर द लिक्विड सॉरी द गैस विल गेट कन्वर्टेड इन टू लिक्विड इंस्टेंटेनियसली, इज दैट ओके। एंड बिकॉज इट इज गोइंग टू गेट कन्वर्टेड इंस्टेंटेनियसली इन टू लिक्विड, इट्स प्रेशर विल स्टार्ट टू फॉल विच विल बी रिफ्लेक्टेड ओवर हियर, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज सिंगल स्टेप कन्वर्सन, सिंगल स्टेप स्टेट कन्वर्सन और सिंगल स्टेट ऑफ आई मीन स्टेट कन्वर्सन और सिंगल स्टेट स्टेट कन्वर्सन बेसिकली। आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? बाकी सारे स्टेट कन्वर्सन में जैसे आप पानी वानी हीट कर रहे हो और वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो एक किसी भी टाइम पे आपके पास ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ पानी है या सिर्फ गैस है, ठीक है। इट्स गोइंग टू बी मिडवे ऑफ द टू, ऑब्वियसली प्रोसेस स्टार्ट होने के पहले इट इज गोइंग टू बी जस्ट पानी एंड एंड होने के बाद इट इज गोइंग टू बी जस्ट गैस और वेपर, राइट। बट इन बिटवीन प्रोसेस के इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी इक्विलिब्रियम, समथिंग विल बी इन गैसेस फेज, समथिंग विल बी इन लिक्विड फेज। आई वॉन्ट टू डिस्कार्ड दैट टू फेज कन्वर्सन, ठीक है, या मल्टी फेज कन्वर्सन। ठीक है सर, वो स्पेसिफिक क्वेश्चन है सर, जो डिहाइड्रेटेड रीजन है सर, वो क्या 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 सॉरी ब्लू हाइलाइटेड रीजन है सर, वो क्या बता, ब्लू हाइलाइटेड रीजन, ये वाला रीजन क्या बताता है? ये बताता है हमको इट इज द रीजन ऑफ बाई स्टेट। बाई स्टेट का मतलब क्या हुआ? राइट, वेपर प्लस लिक्विड, वेपर प्लस लिक्विड को एग्जिस्टेंस, को एग्जिस्टेंस, इज दैट ओके सर? वो परफेक्ट हाइपरबोला सर कौन सा है इसके? वो रेड लाइन, रेड के ऊपर, इससे थोड़ा ऊपर और जाएंगे तो विल स्टार्ट गेटिंग परफेक्ट हाइपरबोला विच इंडिकेट्स इट इज नाउ बिहेविंग एज अ परफेक्ट गैस। ठीक है, ओके। So, ये चीज हम लोग नोट कर लेते हैं। सर तो फिर जो खाली लिक्विड रहेगा सर, इसके अंदर वो कहाँ दिखा रहा है ग्राफ? क्या क्या सॉरी, तो मतलब खाली लिक्विड कहाँ पे रहेगा इस ग्राफ में, वो किधर दिखा रहा है? मतलब ये वाला स्टेट जो है ना, ये वाले ग्राफ्स, दीज आर ग्राफ्स फॉर लिक्विड्स। ये लेफ्ट साइड में जो ब्लू लाइन है या ये ऑरेंज लाइन है, सॉरी वायलेट लाइन है, दिस इज फॉर लिक्विड। और वो पर्पल है, ये पर्पल है राइट साइड में, पर्पल ये वाला डार्क ब्लू ना, अब मैं उसको डार्क ब्लू ही समझ रहा हूँ, कलर सेंस मेरी थोड़ी सी गड़बड़ है, तो मैं उसको डार्क ब्लू ही बोल रहा था और ये लाइट ब्लू बोल रहा था, ठीक है। हाँ, वो पर्पल है, सो पर्पल वन में बेसिकली यहाँ पर देर इज सम फॉर्मेशन एंड बियॉन्ड इट इट विल बी लाइक लिक्विड अगेन, मतलब एक बार लिक्विड बन गया, सारा चीज कन्वर्ट हो गया इस प्रेशर पर, लिक्विड के फर्स्ट ड्रॉपलेट्स मिले और फिर धीरे धीरे वो कन्वर्ट हो जाता है, तो दिस इज गोइंग टू बी लिक्विड ओनली, ठीक है।
यहाँ पर देर इज नो लिक्विड विच इज ऑब्जर्व एंड बिलो दैट अगर किसी भी टेम्परेचर पर जाते हैं सॉरी किसी भी टेम्परेचर पर कर रहे हैं हम तो दिस इज गोइंग टू बी टुवर्ड्स द लेफ्ट इट इज गोइंग टू बी परफेक्टली लिक्विड ठीक है और यहाँ पर क्या रहेगा राइट साइड में इट इज गोइंग टू बी गैस राइट साइड में इट इज गोइंग टू बी गैस ठीक है और हाँ मैं ये बोल रहा था कि वो टेम्परेचर जब हम कम करेंगे ना टेम्परेचर जब हमने डायरेक्टली कम किया तो इट विल सेटल इटसेल्फ द सिस्टम विल सेटल इटसेल्फ ऑन अ कर्व जहां पर भी वो आएगा वो ऐसे कर्व पर आ जाएगा किसी भी एक कर्व पे जैसे जो भी टेम्परेचर हम लेते हैं जैसे 70 डिग्री पर हम ऊपर तक गए हाई प्रेशर किया और फिर सडनली मैंने टेम्परेचर को ड्रॉप किया ठीक है तो टेम्परेचर ड्रॉप अगर मैं 21.5 पे तक ला रहा हूँ डिग्री सेल्सियस तक ना तो मेरा प्रेशर जो रहेगा या सिस्टम का स्टेट जो रहेगा वो इसी तरह का रहेगा इट विल ऑटोमेटिकली गेन दिस स्टेट 21.5 डिग्री सेल्सियस पर प्रेशर P3 एंड वॉल्यूम P दिस विल बी मेंटेन एम आई मेकिंग सेंस सर मतलब वो फिर राइट हैंड साइड पे गैस क्यों रहेगा राइट हैंड साइड में तो गैस रहेगा ही ना लेफ्ट हैंड साइड में गैस नहीं रहेगा ना तो नहीं समझ रहा अरे देखो एक गैस लिया मैंने ठीक है उसको क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे मैं कंप्रेस कर रहा हूँ क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे तो क्या होगा धीरे 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 वो लिक्विड में कन्वर्ट होएगा मतलब सफिशियंटली हाई प्रेशर जब हम उस पर लगा चुके होंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होना चालू होएगा और फिर थोड़े टाइम तक अगर हम प्रेशर चेंज नहीं भी करते तब भी वो धीरे 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 लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा दैट इज बीइंग स्टेटेड बाय दिस कर्व ये कर्व जो है पिंक कर्व ये उसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है वी आर एट ए इनिशियली वी आर फॉलोइंग द इट इज इन गैसेस स्टेट टुवर्ड्स द राइट इट्स द राइट साइड ऑफ द कर्व यहाँ पर वो गैसेस बिहेवियर में है वी इंक्रीज द प्रेशर एंड इट सॉरी वी इंक्रीज द प्रेशर इट्स वॉल्यूम स्टार्टेड डिक्रीजिंग व्हेन इट रीच और व्हेन वी रीच टू अ प्रेशर ऑफ करस्पॉन्डिंग टू P2 the liquefaction started and liquefaction started तो फिर slowly and slowly B से C state पर आ गए जहाँ पर A B में it was almost gas and at C it is purely liquid यहाँ पर ये gas state में है यहाँ पर ये perfect liquid state में है pressure change नहीं हुआ now further increase of pressure अगर हम करते हैं तो द वॉल्यूम डिक्रीज इज गोइंग टू बी नॉट दैट सिग्निफिकेंट ठीक है इट्स गोइंग टू बी प्रीटी इनसिग्निफिकेंट इवन इफ वी आर गोइंग टू इंक्रीज प्रेशर बाय लार्ज अमाउंट ठीक है नंबर वन अब मैंने दूसरी बात ये बोली कि अगर मैं ए पॉइंट पर हूं ए पॉइंट मतलब मेरा वॉल्यूम है V1 एंड मैंने प्रेशर कुछ P' लगा रखा है और मुझे लाइक इस स्टेट से सिंगल स्टेट कन्वर्सन चाहिए लिक्विड स्टेट ठीक है तो मैंने क्या किया पहले अपना टेम्परेचर बढ़ा के F वाले टेम्परेचर के बराबर किया 31.1 या थोड़ा और ऊपर लेकर के जा सकते मे बी 55 डिग्री सेल्सियस पर अब मैं अपने गैस को कॉम्प्रेस करना चालू करता हूँ तो मेरा गैस क्या है क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर में हम आ गया है वंस वी आर अबव क्रिटिकल टेम्परेचर द लिक्विफिकेशन विल नॉट टेक प्लेस दैट इज गारंटीड बट प्रेशर इंक्रीज तो होएगा और प्रेशर इंक्रीज होएगा तो वॉल्यूम डिक्रीज भी होएगी सो सपोज ये वाला मेरा इस पोजिशन तक आता है कर्व इस पोजीशन तक आता है एंड देन आई सडनली डिसाइड कि
मुझे अब टेम्परेचर को कम करना है, तो मैंने सडनली डिक्रीज किया टेम्परेचर को और ला दिया 21.5. द मोमेंट आई ब्रिंग द टेम्परेचर टू 21.5, ठीक है, मेरा सिस्टम जो है वो ऑटोमेटिकली टीपी प्रेशर पर आ जाएगा एंड उसकी वॉल्यूम जो रहेगी वो ये वाली वॉल्यूम ही रहेगी, ठीक है, P3 प्रेशर पर आ जाएगा, दैट इज गारंटीड. एंड नॉट ओनली दैट, द एंटायर गैस विल गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, द एंटायर गैस विल ऑटोमेटिकली गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड. एम आई मेकिंग सेंस? सर कंप्रेस करना मतलब सर प्रेशर क्या क्या सॉरी कंप्रेस करने का मतलब होता है प्रेशर इंक्रीज सर. तो फिर मतलब मुझे अभी नहीं समझा सर, वो राइट हैंड साइड का फिर मतलब वो गैस कैसे हो रहा है? अरे गैस कैसे हो नहीं रहा है, गैस हमने लिया है, राइट साइड वाला गैस लिया है, प्योर गैस मतलब प्योर गैस एज इन हाँ गैस किया है, कोई भी एक गैस को उठा के ले लिया, यहाँ पर फिलहाल CO2 को लिया है, तो CO2 गैस फॉर्म में लेंगे तो गैस ही रहेगा ना. हाँ सर समझा. 28-29-30 डिग्री सेल्सियस पर कोई भी प्रेशर लगा करके लेंगे तो इट इज गोइंग टू बी गैस ओनली, राइट? तो हाँ बोलिए ना सर. फिर मैं आपने बोला था कि वो क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे है, के टेम्परेचर में हम लोग ने अगर किसी भी जिसको कंप्रेस किया तो फिर वो लिक्विड में लिक्विफिकेशन प्रोसेस में ऐड हो जाता है. लिक्विड प्लस वेपर दोनों फेज से होता हुआ लिक्विफाई होगा वो. क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे किसी भी टेम्परेचर पर अगर सिर्फ कंप्रेशन में कर रहा हूँ तो इट विल ऑलवेज पास थ्रू अ टू फेज सिस्टम. That is real system, vapor liquid system. हाँ सर अब समझा. ठीक है, अगर मुझे सिंगल स्टेट कन्वर्सन करना है तो मुझे किसी हायर आइसोथर्म के थ्रू प्रेशर इंक्रीज करके वॉल्यूम डिक्रीज करना होगा एंड देन सडनली टेम्परेचर को डिक्रीज करना होगा, तो हम क्या होगा एक ही बार में लिक्विड स्टेट में आ जाएंगे. The equilibrium phase will not be there. The two-phase system will never exist or will never come into picture. It will always be a single-phase system all the way. Clear? Is that okay? हाँ सर समझा.
हेलो आई स्टूड फॉर अलॉन्ग was observed that the spectrum along critical temperature patterns in their state. Systems making it a point of and it is a PV curve, right? It's a PV curve. अब यहाँ पर we can apply our van der Waals equation जो हमने पिछले sections में derive किया, which is P plus A by B square multiplied by B minus B is equal to R. ठीक है? This is going to relate the equation of state for this. ऑल्सो क्योंकि यहाँ पर ये गैस जो होगा क्या होगा रियल गैस की तरह बिहेव कर रहा होगा क्रिटिकल कंडीशन में राइट सो दिस इज गोइंग टू बी समथिंग जो कि अप्लाई हो सकता है नॉट द आइडियल गैस इक्वेशन सो वंस वी अप्लाई दिस एट द ग्राफ वन The graph which is above us, or the graph which we were discussing, was a PV curve. So it will be a good idea if I represent pressure in terms of volume and temperature, obviously, right? So pressure ko agar main volume or temperature ke terms mein likhta hu, to kya ho jayega? P is equal to RT by V minus minus A by B square. Is that okay? What number is it? So this could differentiate karna. हाँ, इसको डबल डिफरेंस से दो बार डिफरेंशिएट करना और दोनों बार जीरो हाँ दोनों बार जीरो से इक्वेट करना है ये काम आप लोग खुद से कर पाएंगे सर किससे करना है प्रेशर वॉल्यूम कर्व है तो किससे करोगे व्हाट इज योर डिपेंडेंट है व्हाट इज इंडिपेंडेंट बाय डीवी डीवी बाय डीवी करोगे वेरी गुड करो सर जीरो से इक्वेट करना है ऑब्वियसली पॉइंट ऑफ इंफेक्शन है ना हाँ सर सो सारे लोग कर पाएंगे ना डिफरेंशिएट देयर इज नो इशू ना
और उसके लिए था डीपी बाई डीवी अगर हम करते हैं तो क्या हो जाएगा? सर 2a अपॉन वी क्यू आर टी वी माइनस डी का होल स्क्वायर माइनस, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 2a बाई वी क्यू, अच्छा प्लस का 2a बाई वी क्यू ना, क्या क्या प्लस का 2a बाई वी क्यू, हाँ प्लस का 2a बाई वी क्यू एंड दिस शुड बी इक्वल टू जीरो राइट. I can call it equation A. Then second derivative will be 2RT upon V minus B whole cube. 2RT V minus B whole cube minus 6A by V. 6A by V cube is a V4 is equal to 0. That is equation B. ये दोनों equation सारे लोगों को आया था. Are we getting these equations? हाँ सर. Very good. तो यहाँ तक अगर equation हमारा आ गया तो next step is सर. हाँ सर, मैंने गलती से सर वो नीचे था तो सर मैंने उसको तो व्हाट वी कैन, हाँ वो कुछ तो गलती आपने किया ही है, अदरवाइज इट वुड हैव बीन नॉर्मल थिंग. इसको राइट साइड में लाएंगे तो इट विल बिकम 2abq इज इक्वल टू rt बाय v माइनस d का होल स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ से 2 को कॉमन ले लेंगे तो rt बाय v माइनस d का क्यूब इज इक्वल टू 3a by b cube. Is that okay? This is what we are going to get. यहां से हमको क्या मिलेगा? 2a by v cube is equal to rt by v minus b का square, और यहां से क्या मिलेगा 3a by v cube is equal to, sorry, 3a by v4 is equal to 3a by v4 is equal to आर टी बाई बी माइनस बी का होल, ठीक है, इन दोनों को अगर मैंने डिवाइड किया व्हाट आई एम गोइंग टू गेट, इसको इससे डिवाइड किया या इसको ए को बी से डिवाइड किया अगर मैंने तो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट, टू बाई थ्री b by dividing equation a by equation b we have 2 by 3b is equal to 2 by 3 sorry 2b by 3 is more this and this and this 2b by 3 is equal to इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा rt rt कैंसिल b माइनस b ऊपर रहेगा ठीक है इट शुड बी b माइनस b एक बार और चेक कर लेने दो मुझे तो ये तो एक सब वन अपॉन आएगा
वन अपॉन वी माइनस नहीं आता ना, इसको डिवाइड कर रहा हूँ इससे, टू ए बाई वी क्यू मल्टीप्लाइड बाई वी फोर डिवाइडेड बाई थ्री ए, एंड इधर हो जाएगा आर टी बाई वी माइनस बी का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई वी माइनस बी का क्यू डिवाइड बाई आर टी, आर टी आर टी कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, माइनस थ्री बी, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं थोड़ा सा डर गया था, वो माइनस साइन देख रहा था तो दूसरे तरफ का माइनस नहीं मुझे मेंटली दिख नहीं रहा था, तो इसलिए मैं थोड़ा सा डर गया था, ठीक है। दिस विल बी सॉल्व टू टू बी इज इक्वल टू थ्री बी माइनस थ्री बी, दैट इम्प्लाइज वी इज इक्वल टू थ्री बी, दिस वॉल्यूम इज नथिंग बट वी सी, ठीक है। Is that okay? First critical parameter. अब v को अगर मैं previous equation में डालता हूं, यहां पर अगर रखता हूं v की value किसी में भी a में या b में, तो what I am going to get is tc. As we put value for V in equation A, we get the equation is 2A by V cube, 2A by V cube is equal to RT divided by b माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट इम्प्लाइज 2 बाई ए बाई 27 बी क्यू इज इक्वल टू आर टी डिवाइडेड बाय, दिस इज 3 माइनस 1 इज 2, 2 बी का होल स्क्वायर दैट इज 4 बी स्क्वायर, ठीक है। दैट इम्प्लाइज टी इज इक्वल टू A by 27. Is that okay? यहाँ तक ठीक है? सर R कहाँ पे रहा सर? अच्छा R रह गया, हाँ R रह गया. Sorry, my mistake. R तो रहेगा. 27 RB, so we can put the value of B and T in equation 12 to get T. T will be simply equal to R into T. T that is 8A by 27 RB divided by V minus B, that is 3B minus B minus A by V square, that is A by 3B का square, ये क्या हो जाएगा, R R cancel, B
नीचे बी आ जाएगा, ठीक है ना। 3b का 2b हो गया, 8a का 100, सो इट विल सिंपली बी आर आर कैंसिल। 8a डिवाइडेड बाय 27b मल्टीप्लाइड बाय 2b इज इक्वल टू, सॉरी माइनस a बाय 9b स्क्वायर, ठीक है। 2 2 4, 4 2 8, so it will be 4, or it will be equal to 4a by 27b square minus 3a by 27b square, that will make a by 27b square, ठीक है। That implies, right over here itself, E is equal to A by 27 B square. Okay? This is called as PC, VC and PC. This pressure, volume and temperature corresponds to critical condition and hence these pressure, temperature and volume corresponds to critical condition is referred as PC, VC and PC. Theta? Is this okay? Yes. Okay. So, in this, what we did or what we achieved is, we achieved this PCVC, that is critical parameters or critical bulk parameters in terms of intrinsic parameters of gaseous molecules. Intrinsic parameters kya kya? B, the volume, which is related to the volume of gaseous particles, and E, which is related to the intermolecular interaction between the gaseous particles. ठीक है? इन दोनों के बीच में we derived a relation. Now, इसको use करके we are going to work out and have the equation of corresponding states. ठीक है? That's the sixth. सर लास्ट हाँ ये लास्ट डेरिवेशन है इक्वेशन, इसके बाद थोड़ी सी थ्योरी रहेगी बॉन्डिंग स्टेट। और इक्वेशन रिलेटेड स्टेट्स, रिलेटेड इसमें आइडिया हमारा क्या है कि जब गैसेस कंडेंस होने लगे एंड लिक्विफाई होने लगे, ठीक है, उस कंडीशन में यानी क्रिटिकल कंडीशन जो है उस पॉइंट पे सारे गैसेस पार्टिकल्स के का बेसिक इंटरैक्टिव स्ट्रेंथ जो रहता है या बेसिक
मॉलिक्यूलर डिस्ट्रीब्यूशन बोल सकते हैं या फिर मॉलिक्यूलर प्लेसिंग्स जो बोल सकते हैं, दे आर ऑफ सेम ऑर्डर। ठीक है, मतलब ये कि जब कोई भी गैस लिक्विफाई हो रहा है तो उनके बीच, उनके पार्टिकल्स के बीच में इंटर एटॉमिक स्पेसिंग एंड इंटर मॉलिक्यूलर या इंटर मॉलिक्यूलर स्पेसिंग एंड इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन विल बी ऑफ सिमिलर ऑर्डर। इज दैट ओके? इफ इट इज गोइंग टू बी ऑफ सिमिलर ऑर्डर then only they are going to hold each other and the liquefaction will take place thoroughly. So, equation of corresponding states में जो हमारा आइडिया होता है वो ये है, the force of attraction and related position, the force of interaction and relative, या फिर हम ऐसे वर्ड यूज करते हैं, the relative force of interaction and relative spacing, the relative force of interaction and relative spacing between gases particles it for the corresponding state will become more clear sir lekin humne isko fir aur modify kiya hai ki volume क्या क्या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम फॉर मॉडिफाई किया था ना वॉल्यूम बाय वी रियल बाय वी आइडियल नहीं नहीं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम तो किया था हमने वी रियल बाय वी आइडियल तो वी रियल बाय वी आइडियल में वी रियल जो है ना उसी के बदले में तो ये सारी चीजें आती है ना और ठीक है सो I'm basically looking, मतलब हमें basically jets ही निकालना है। V real by V ideal तब होता है जब pressure जो ideal है, real का pressure उसके बराबर कर दिया जाए, ठीक है? हाँ। उस condition में जो volume real रहेगा, that divided by V ideal will give us the jet की value। यहाँ पर अभी फिलहाल कोई changes नहीं किया मैंने। जो पीसी वीसी एंड टीसी आया है मतलब प्रेशर जो है क्रिटिकल कंडीशन में वॉल्यूम जो है क्रिटिकल कंडीशन में और टेम्परेचर जो है क्रिटिकल कंडीशन में
उनको यूज करके मुझे निकालना है। अगर मान लो ये वी क्रिटिकल सिर्फ लेते हैं तो हमको दूसरा कंडीशन जो लेना पड़ेगा वो वी आइडियल लेना पड़ेगा, ठीक है, सेम अमाउंट ऑफ गैस के लिए। तो एक मोल है तो मोलर वॉल्यूम निकाल करके बीसी बाई वी आइडियल अगर हम करेंगे वी आर स्टिल गोइंग टू गेट द सेम रेशियो दोनों, ठीक है। हावेवर अभी फिलहाल में क्रिटिकल कंडीशन की सारी पैरामीटर्स लेकर के और जेड सी निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। बी सी इज ए बाई 27 बी स्क्वायर इंटू 3b डिवाइडेड बाय r इंटू 8 बाई 27 आर बी इंटू ए 8a by 27 rb, a by 27 b square, and so on. तो अभी अब हमारे पास बचा क्या, कैंसिल करते जाते हैं एक एक को, ये कैंसिल इसको करेगा, 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो क्या बचेगा 9, और या फिर 27 को कैंसिल नहीं करते हैं, मतलब 27 को कैंसिल करते हैं बट दूसरे तरीके से करते हैं, ये 27 बी है, ये R से R कैंसिल हुआ, 27 बी से 27 बी कैंसिल हो जाएगा और ये A से A कैंसिल हो गया, वैल्यू क्या आया 3 बाई 8। मतलब कोई भी गैस लीजिए, हाँ, क्योंकि एनी गैस एंड at critical conditions its z is going to be about 3 by 8, a fixed number, right? z for any gas at critical condition is what? It's 3 by 8, ठीक है? It is from this that the law of corresponding state जो है, that got or that finds its irrelevance. Am I making sense? Yes. ठीक है, ये constant इसका होना is a indicator of the fact that the relative spacing and the relative attractive force between the particles of gas at critical conditions are of similar level. ठीक है, क्योंकि z उनका similar same है and that's independent of their parameters, intrinsic parameters. Is that okay? तो हम लोगों ने ये बोला कि अगर critical condition में वो अपने आप equal है तो can we have a relationship such that हम हर temperature को और कोई भी temperature हो उसको उस particular gas के critical temperature से divide कर देते हैं तो we will have some ratio. ठीक है, टेम्परेचर रेशियो दैट इज रेफर्ड एज टीआर. सो इट्स लाइक कि अगर किसी चीज का क्रिटिकल टेम्परेचर मान लो 30 केल्विन है, ठीक है, या 80 केल्विन है और किसी दूसरे का क्रिटिकल टेम्परेचर जो है वो है मे बी 120 केल्विन, तो 80 केल्विन वाले जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर है उसका 160 पर जो बिहेवियर होगा 160 केल्विन पर, वैसा ही सिमिलर बिहेवियर और जिसका 120 केल्विन है क्रिटिकल टेम्परेचर उसका 240 केल्विन पर होना चाहिए, दैट इज व्हाट वी एक्सपेक्ट. अगर ये हमारी लॉजिक सही है, ठीक है, कि एट जेड इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंट्रिंसिक पैरामीटर्स देयरफॉर and its constant, therefore a relative force of attraction and relative spacing between gaseous particles must be same, right? It must be same. इसके basis पर हम ये conclusion लेकर के आ रहे हैं, तो हमारा दूसरा conclusion जो है कि TR का ratios अगर same है दो gases का, PR का रेशियो सेम लेते हैं और PR का प्रेशर का रेशियो सेम लेते हैं, तो वो दूसरा वाला जो स्टेट होगा गैस का
दो गैसेस का वो वाले स्टेट्स जो होंगे दे आर गोइंग टू बी कंपेरेबल स्टेट्स. इज इट मेकिंग सेंस? यस. अगर नहीं मेक सेंस कर रहे हैं तो लेट मी फर्स्ट डिफाइन द वेरिएबल्स. ठीक है, ये जेडसी तक नोट कर लिया. उसके बाद इक्वेशन ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट और इक्वेशन ऑफ रिलेटिव स्टेट, द रिलेटिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिलेटिव स्पेसिंग बिटवीन द गैसेस पार्टिकल्स आर सी फॉर ऑल द gas and their critical condition as their Zc is equal to 3 by A irrespective of gas chosen. Hello. Yes, sir. Therefore, it was proposed that similar similar relative states must exist in similar relative states must exist in exist among gases at all temperature or at all conditions. So what we did is, in order to achieve this, we define so similar relative states. मतलब see जैसे अब सबका ZC constant है, that is one state जहां पर वो exactly equivalent है, ठीक है, all the gases are equivalent. इसका मतलब हुआ कि जैसे वहां पर उनके बीच का attractive force जो है वो 5 units, ठीक है, और relative spacing का मतलब size is to spacing का ratio जो है, molecular size into spacing का ratio अगर हम बोल रहे हैं, तो दैट हैपेंस टू बी मान लो 2 यूनिट्स. ठीक है, तो अब अगर किसी भी गैस का हम देखते हैं तो जब उन गैसेस के बीच में, जैसे मैंने बोला अट्रैक्टिव फोर्स जो एक गैस का है दैट इज 5 यूनिट एंड रिलेटिव स्पेसिंग इज 2 यूनिट्स. ठीक है, तो सारे गैसेस का उस टाइम पे यही वाला रेशियो रहना चाहिए, एक चीज. दूसरी बात जो मैं बोल रहा हूँ, ये बोल रहा हूँ कि अगर किसी गैस का
मतलब पहला वाला गैस वन जो था गैस वन का, और गैस वन का दूसरे कंडीशन में आते हैं जब इंटर पार्टिकल इंटरैक्शन जो है दैट बिकम्स मे बी 10 यूनिट्स, तो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेसिंग जो है सॉरी 5 यूनिट्स है, और 5 यूनिट से कम होकर के 2.5 यूनिट हाफ हो जाता है, तो दिस वुड इंक्रीज टू 4 यूनिट्स, राइट? आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? नाउ ऑल द गैसेस, गैस 2 3 4 ऑल विल हैव सिमिलर काइंड ऑफ रेशियो, सिमिलर काइंड ऑफ रेशियो फॉर देयर इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन and their interparticle spacing at some conditions, ठीक है, but that ratio will always exist, मतलब force of interaction and relative spacing का जो ratio है वो दो gases के बीच में अगर critical condition में वो equality maintain हो रही है तो हर condition में maintain होनी चाहिए, ठीक है, that means you can always find a relative values between those parameters of different gases which will become or appear to become equal, ठीक है, इस चीज को अचीव करने के लिए हमने किया क्या, तीन वेरिएबल्स डिफाइन किए PR, TR एंड VR, ठीक है, PR किसी भी गैस का क्या होगा, तो that will be P मतलब actual जो हम लोग जैसे 5 atm अगर बोलते हैं तो 5 atm, ठीक है, प्रेशर 5 atm, ओके, सो दिस p वैल्यू इज दैट 5 atm, देन वी हैव द अदर वैल्यू कॉल्ड pc, क्रिटिकल प्रेशर ऑफ दैट गैस, ठीक है, इन दोनों का रेशियो इज pr, pr इज एक्चुअल टेम्परेचर बाय pc एंड vr इज एक्चुअल वॉल्यूम बाय pc, ठीक है, where E and V are so volumes, sorry, what action raised it temperature one, ठीक है, अब देखिए, सो मेरा P क्या हो जाएगा, P will become PR into PC, T will become PR into PC, VR will become sorry, V will become VR into VC. VR will become VR into VC. Is that okay? ये बात समझ में आ रही है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? Am I making sense? ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? नहीं समझ में आ रही है, अभी समझ में आ जाएगी। क्रिटिकल प्रेशर एक गैस का मान लो 3 atm है, तो नो सर अंडरस्टूड, अच्छा नो सर कभी पहले का बोला हुआ है क्या? अर्शद यहां पर एक चीज कैलकुलेट करके हम रख देते हैं, ओके फाइन, सी अगर मैं जेड आर कैलकुलेट करने की कोशिश करूं तो व्हाट विल हैपन, अब जेड आर या जेड कैलकुलेट करने की कोशिश करूं तो आई विल हैव टू थिंग्स, जेड एट एनी कंडीशन विल बी पी इनटू वी डिवाइडेड बाय आरटी, PV by RT रहेगा, ठीक है, this will be PR VR by PR into ZC,
और z इज ऑलवेज गोइंग टू बी z r इनटू और इट्स नॉट z r एक्चुअली, z में तो r भी रहना चाहिए ना, कैपिटल r वो है नहीं, तो आई विल कॉल इट pr vr by r, ठीक है, इनटू z. zc क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है ना, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी कांस्टेंट फॉर वॉट एवर गैस वी आर गोइंग टू पिक. अब पॉइंट ये है कि किसी भी गैस का अगर रिलेटिव प्रेशर 2 यूनिट है, 2 है, रिलेटिव टेम्परेचर 4 है और रिलेटिव वॉल्यूम 3 है, ठीक है, यानी उनका वॉल्यूम उनके रिस्पेक्टिव क्रिटिकल वॉल्यूम का 3 टाइम्स है, टेम्परेचर 4 टाइम्स है एंड प्रेशर 2 टाइम्स है, तो उनका जेड क्या होगा, जेड इज गोइंग टू बी सेम, एंड दिस सिंपली इंडिकेट टू अस दैट द ओरिजिनल प्रोपोजिशन विच वी वेयर मेकिंग दैट अगर स्पेसिंग सेम लेवल से बढ़ाते हैं तो इंट्रैक्टिव फोर्सेस सेम लेवल से कम होंगे सब में, या ये चीजें प्रोपोर्शनल होंगी हर गैस में, इज दैट ओके, दैट स्टैंड्स वेरी मच ट्रू, इज इट ओके, इज दैट ओके, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, समझ में आ रही, ए बाय वी स्क्वायर इनटू वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी, पी को पी आर पी सी, पी आर पी सी और ए एज इट इज रहेगा, ये वी आर स्क्वायर पी सी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आर बी सी माइनस बी इज इक्वल टू आर इंटू टी. सर मुझे वो नहीं समझा, टी सी क्या नहीं समझा, सर जेड इज इक्वल टू पी वी बाय आर टी हुआ, फिर उसके बाद जेड सी कहाँ से आया उसके अंदर, अरे पी को पी आर पी सी लिखोगे, टी को टी आर टी सी लिखोगे, वी को वी आर वी सी लिखोगे, ठीक है, तो पी सी वी सी बाय आर टी सी इज इक्वल टू जेड सी, पी सी वी सी बाय आर टी सी इज इक्वल टू जेड सी, तो बचा क्या पी आर वी आर बाय टी आर, इसमें कैपिटल आर एक और नहीं है इसलिए इसको जेड आर नहीं बोला मैंने, पहले लिख दिया था देन आई रियलाइज नहीं इट्स नॉट जेड आर क्योंकि आर इज मिसिंग, ठीक है, अभी इसको इस इक्वेशन में डाला मैंने पी वी और टी की वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ आर और फिर पी सी वी सी पी सी को रिप्लेस करूंगा मैं इनके रिस्पेक्टिव वैल्यूज, ठीक है, सो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट इज बी सी जो है वो हो जाएगा 3B, ठीक है, सो 3B वी आर माइनस बी आर टी आर इंटू टी सी, टी सी इज टी सी इज 8A बाय 27 RB, 8A बाय 27 RB, यहां पर पी आर इज पी आर बी सी इज ए बाय 27B² 27B² प्लस ए बाय बी आर स्क्वायर BR square into 9B square. Is that okay? यहां तक की बातें क्लियर है या कोई प्रॉब्लम?
एनी इश्यूज विद एनीवन? नो सर, नो प्रॉब्लम। अब मैं इसमें से चीजें कॉमन लेता हूं, क्या कॉमन लूंगा? ए बाई 27 बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? ए बाई 9 बी स्क्वायर ना, दोनों ले सकते हैं। 27 लेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, और नहीं लेंगे तो यहाँ 3 रहेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे 3 रहेगा, तो इधर जब कट होएगा ना, तो यहाँ पर भी 3 एक ताकत छोड़ देगा। अगर यहाँ पर 3 को हमने छोड़ा, तो यहाँ पर भी 3 का छूट जाएगा फैक्टर। हाँ राइट, समझ में आ रहा है हर्षित, सृष्टि, आसना? ठीक, तो 27 बी स्क्वायर को मैंने कॉमन लिया, दिस विल बिकम पी आर प्लस 3 बाई बी आर स्क्वायर इंटू, यहां पर बी कॉमन आ जाएगा, तो 3 बी आर माइनस 1, बी को ऊपर बाहर लाके यहां से कॉमन लेकर के लिख दिया, आर आर कैंसिल हो जाएगा, इट विल बिकम 8 ए बाई 27 बी इंटू पी आर। ठीक है, अब कैंसिल करते हैं, सो व्हाट आर वी गोइंग टू गेट, ये हाँ इधर 8 पी आर, ए कैंसिल, 27B कैंसिल, सो बचा क्या, दिस इंटायर थिंग इनटू 8R ER प्लस 3 बाय VR स्क्वायर इनटू 3BR माइनस 1 इज इक्वल टू 8ER। ठीक है, या फिर अगर यहां से 3 हम कॉमन निकाल लिए होते, मतलब 3 को छोड़ दिया होता, यहां पर 9 ही कॉमन निकाले होते, तो यहां पर इक्वेशन क्या रहता, पी आर बाय 3 प्लस 1 बाय वी आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3 वी आर माइनस 1 इज इक्वल टू 8 बाय 3 पी आर। ठीक है, एक और हो सकता है, यहां पर 3 को और कॉमन ले लिया, तो इट विल बिकम लाइक दिस ऑल्सो, वी आर बाय 3 प्लस 1 बाय वी आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय वी आर माइनस 1 बाय 3 इज इक्वल टू 8 बाय 9 पी आर। ठीक है, सो ऑल ऑफ देम आर सेम थिंग, नो डिफरेंसेस। एक और हो सकता है, पी आर प्लस 3 वी आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय वी आर माइनस 1 बाय 3 इज इक्वल टू 8 बाय 3। ठीक है, सो ये सारी एक ही इक्वेशन है, दे आर नॉट डिफरेंट, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट। ठीक है, इक्वेशन ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट क्यों, एक नंबर थोड़ा सा दे दूं, सो 12 नो, सो दिस इज गोइंग टू बी 13A is 14 equation followed by it is, this is the relationship which we have assumed, so it's for square equation they set up, this is going to be 15 equation
and these all are 16. It's the same equation in different terms. Is that okay? सर थोड़ा ऊपर करो और ऊपर मैं इसे इतना ही देखता हूँ. सी इसका मीनिंग अल्टीमेटली क्या हुआ कि रिलेटिव प्रेशर, रिलेटिव वॉल्यूम और रिलेटिव टेम्परेचर अगर दो गैसेस के सेम है, ठीक है ना, तो फिर उनका जेड जो होगा वो एग्जैक्टली सेम होएगा. और क्योंकि जेड सेम है इसका मतलब रिलेटिव इंटरमोलिकुलर स्पेसिंग एंड रिलेटिव इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन जो होगा उन गैसेस का सेम होगा. और उस कंडीशन में मतलब वो अपने रेस्पेक्टिव उस कंडीशन में दे आर गोइंग टू बिहेव इन अ सिमिलर मैनर. मतलब बाकी की प्रॉपर्टी जो उनकी होंगी, जो इन बेसिक प्रॉपर्टीज के ऊपर माइक्रोस्कोपिक या मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंड करती हैं, वो सारी उन दो गैसेस के अंदर उन दो स्टेट्स में ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल की होएगी या एग्जैक्टली सिमिलर लेवल की होएगी, ये हम बोल सकते हैं. इज दैट ओके? ठीक. So just note this down. हाँ सर. हो गया? Very good. सर आज लेक्चर कब तक था? थोड़ी देर और. So with this, all the basic derivations of our chapter got over. This was the last derivation which we have to look at. Post this, we need to understand two three things related to vapor. अभी liquid से vapor बना रहे थे, vapor और इसका differences हमने समझा. Now vapor pressure and viscosity and all के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं. ठीक है, ये नोट हो गया हम लोगों का. आर वी डन विद इट? यस सर. और गैसेस सिस्टम में देखा वैसे ही लिक्विड्स में भी देयर इज मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन कर्व व्हिच इज स्ट्रांग. दैट मींस सम ऑफ द पार्टिकल्स विल हैव रियली हाई काइनेटिक एनर्जी वेयर एज अदर्स विल हैव रिलेटिवली लोअर काइनेटिक एनर्जी. इज दैट ओके? सो दैट एवरेज ऑफ द काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स up to some level depending upon the temperature whatever it has, right? So we can say that in a liquid state, liquid state, the Maxwell's energy distribution curve is followed to just like
gaseous. ठीक है. सेकेंड थिंग इज, सो ये पार्टिकल जो होंगे हमारे, कुछ के पास हायर एनर्जी होगी, कुछ के पास लोअर एनर्जी रहेगी. जिनके पास हायर एनर्जी रहेगी, मान लो वो किसी रीजन से यहाँ पर पहुंच गए, या खुद नहीं पहुंच करके अपना एनर्जी दूसरे को ट्रांसफर किया, दूसरे ने तीसरे को किया, तीसरे ने चौथे को किया, चौथे ने पांचवे को किया, और पांचवा जो है वो सरफेस का पार्टिकल है, तो व्हाट विल हैपन, इट विल इवेंचुअली और इट मे बी एबल टू ब्रेक थ्रू द सरफेस ऑफ लिक्विड. ठीक है, ब्रेक थ्रू द सरफेस ऑफ लिक्विड का मतलब सरफेस पर जो पार्टिकल है वो अंदर के पार्टिकल्स की वजह से दे आर गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द बल्क. राइट, ये सारे क्या है, अंदर की तरफ खींचे है, बाहर की तरफ इनके कोई पार्टिकल है नहीं, तो बाहर से कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, तो दे आर ऑलवेज पुल्ड इनवर्ड. ठीक है, अब इसमें से एक पार्टिकल आता है जिसके पास काइनेटिक एनर्जी है और उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन बाहर की तरफ है, और इसके अंदर इतनी सिग्निफिकेंट काइनेटिक एनर्जी है कि ये इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक फ्री करके बाहर निकल जाए. ठीक है, एक बार बाहर निकल गया तो इट विल बी अ सिंगल एंटिटी इन इटसेल्फ और विल स्टार्ट बिहेविंग एज अ वेपर पार्टिकल. Am I making sense? Similarly, so अब अगर bulk scale पर मैं देखता हूँ, it will not be a single particle which will have that particular amount of energy. There are going to be some certain number of particles which will have that amount of energy, and out of those particles, a percentage of them might be able to cross through this boundary of the system, boundary of the system and boundary of the system, and will get converted into vapor. अब बहुत सारे particles आ जाएंगे vapor phase में, तो क्या होगा, यहां पर एक pressure create होएगा, और pressure जब create होएगा तो इस pressure की वजह से कुछ particles एवरी यूनिट ऑफ टाइम अंदर की तरफ प्रेशराइज होंगे. अंदर आने के लिए लिक्विड बल्ब में वो बेसिकली फोर्स कर दिए जाएंगे, अपने मोशन की वजह से ही लिक्विड की तरफ दौड़ के आ जाएंगे. राइट, और अगर ये सरफेस को टच करने लगे तो फिर से इनको अट्रैक्टिव फोर्स अपने बाकी भाई बंधुओं का मिलेगा, एंड दे विल एंटर इन टू द बल्ब. अब आफ्टर सम टाइम क्या होगा, अ इक्विलिब्रियम विल गेट एस्टैब्लिश्ड सच दैट नंबर ऑफ पार्टिकल्स व्हिच आर गोइंग आउट एंड व्हिच आर कमिंग इन, ठीक है, दैट बिकम्स इक्वल. तो इधर के जितने पार्टिकल्स हैं उनका नंबर काउंट सेम रहेगा, इधर के जो पार्टिकल्स हैं उनका भी नंबर काउंट सेम रहेगा, बट द पार्टिकल्स विल कीप ऑन गोइंग एंड कमिंग. ठीक है, जैसे इधर 10,000 पार्टिकल्स हो गए 10K, इधर मिलियंस हैं, billions, trillions, I don't know what to say, but उतने सारे particles हैं. अब हर unit time पे मान लो 100 particles up and down कर रहे हैं, तो इधर भी हर second में 1,000 to 10,000 maintain रहेगा, और इधर में भी इतना number maintain रहेगा. At the same time it is the particles are going to and fro also. So ये जो system होता है, ठीक है, इस टाइप का जो सिस्टम होता है दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम सिस्टम, एंड इट्स कॉल्ड फिजिकल इक्विलिब्रियम. ठीक है, फिजिकल इक्विलिब्रियम बिटवीन द वेपर एंड द लिक्विड. ठीक है, और यहां पर जो ऑप्टिमम प्रेशर बना जिसकी वजह से ये नंबर ऑफ पार्टिकल एंटरिंग एंड नंबर ऑफ पार्टिकल गोइंग आउट आर हैपनिंग टू बी सीन, दिस प्रेशर इज कॉल्ड सैचुरेटेड वेपर प्रेशर. Saturated vapor pressure. Is that okay? Of this particular liquid at a given temperature. Making sense?
अब सपोज मैंने इस सिस्टम को थोड़ा सा हीट प्रोवाइड किया, सो व्हाट विल हैपन, विल इट चेंज एनी ऑफ द डायमेंशंस? अरे एक काम करो, अभी रहने देते हैं इसको, क्योंकि मुझे एनीवे इंटरेस्ट ना। वैसे ही लिक्विड स्टेट में भी लिक्विड पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स जो है दे फॉलो बोल्ट्जमैन मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन का, मतलब कुछ पार्टिकल की एनर्जी जो होगी वो काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो ज्यादा रहेगी, कुछ पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी कम रहेगी, राइट? अब जिन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है वो किसी तरीके से मे बी एक दूसरे के साथ लड़ाई करके अपनी एनर्जी इसको ट्रांसफर करी, इसने इसको ट्रांसफर करी, इस ट्रांसफरेंस की वजह से हमको एक पार्टिकल मिल जाता है जिसकी काइनेटिक जो सरफेस पर है और उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, ठीक है? अब ज्यादा क्यों चाहिए? क्योंकि यहाँ ऊपर वाले जो पार्टिकल है सरफेस पर ना, इनके ऊपर सिर्फ नीचे के डायरेक्शन में एक अनबैलेंस्ड फोर्स लग रहा है, ठीक है? They are being attracted toward the bulk. ऊपर से कोई फोर्स लग नहीं रहा है, ठीक है? जिसकी वजह से ये अंदर इनके अंदर आने की टेंडेंसी हमेशा रहती है, और अगर उनके पास सफिशियंट काइनेटिक एनर्जी होता है तभी इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को अपोज करके वो इस सरफेस को लीव करके बाहर निकल पाते हैं। Is that okay? अब किसी भी टेम्परेचर पे, व्हाटएवर टेम्परेचर वी आर लुकिंग है, देयर विल बी सर्टेन पार्टिकल्स और सटल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स व्हिच विल हैव काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम दिस अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है? या अट्रैक्टिव फोर्स बाय द बल्क, ऑल्सो नोन एज कोहेसिव फोर्स, ठीक है? कोहेसिव फोर्स का मतलब होता है सेम पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला फोर्स, और एडहेसिव फोर्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला फोर्स। हाँ बोलिए ना। सर नहीं, मैं वही बोल रहा था, एडहेसिव का। ओके। So, yes, the particles having significant, or the fraction of particles having significant energy to break free this attractive force will be able to come out of it, okay? And they will not only come out, they will accumulate at the surface, and due to which they will exert some pressure, okay? फिर मतलब ऐसा तो होता नहीं है कि ये ज्यादा एनर्जी वाले पार्टिकल निकल गए तो इसकी एनर्जी खत्म हो गई और फिर डिस्ट्रीब्यूशन गायब हो जाएगा। अभी भी इसका लिक्विड स्टेट मेंटेन रहेगा, और कुछ हायर एनर्जी वाले निकल गए तो उसके बाद फिर से सम ऑफ देम विल ऑटोमेटिकली अटेन दैट हायर एनर्जी स्टेट, ठीक है? फ्रैक्शन पहले के कंपेरिजन में थोड़ा सा कम जरूर हो जाएगा, बट देयर स्टिल there will still be particles having that amount of energy with them, ठीक है? और ये एक continuous process चलता रहेगा बाहर आने का, बाहर आने का, बाहर आने का, ठीक है? अब सिर्फ बाहर आने वाला process ही चलता रहता तो थोड़े time बाद क्या होना चाहिए था, किसी भी temperature पर पूरा पानी liquid बन करके बाहर निकल जाता, sorry पूरा liquid जो है वो gas बन के बाहर निकल जाता, but हर लिक्विड के साथ ऐसा होता नहीं है, कुछ लिक्विड्स के साथ होता है बट काफी सारे लिक्विड्स के साथ नहीं होता है। तो देयर मस्ट बी समथिंग व्हिच विल बी अपोजिंग इट, दिस फेनोमेना, इनके बाहर जाने के फेनोमेना का वो काम करता है। यहां पर ये जो ऊपर वाले स्पेस में गैसियस पार्टिकल्स इनके या वेपर पार्टिकल्स जो बन के आए ना, दे आर क्रिएटिंग अ प्रेशर, और उस प्रेशर की वजह से ये पार्टिकल्स जो है
in their random motion, they might come closer to the surface of liquid and will get attracted towards the bulk of the liquid. ठीक है, तो अपने यहां पर ये जमा हुए, इसकी वजह से इनका वेपर प्रेशर बना, उस वेपर प्रेशर की वजह से दे आर गोइंग टू कम डाउन इन टू द बकेट और द लिक्विड लिक्विड बल्क. इज दैट ओके? ठीक है, सो ऊपर से वो फिर बल्ब की तरफ पुश होएंगे और ये अंदर आने लगेंगे. नाउ कुछ पार्टिकल्स एट अ टाइम बाहर जा रहे हैं और कुछ पार्टिकल्स एट अ टाइम अंदर आ रहे हैं. ये दोनों रेट जब बराबर हो जाएगा तो देयर विल एग्जिस्ट अ इक्विलिब्रियम कंडीशन. ठीक है, इक्विलिब्रियम कंडीशन एस्टैब्लिश हो जाएगा जिसके बाद यहां पे ना तो नंबर ऑफ पार्टिकल का काउंट चेंज होएगा ना तो यहां पर चेंज होएगा. द नंबर्स विल रिमेन फिक्स्ड. हाउएवर द पार्टिकल्स विल स्टिल बी कमिंग फ्रॉम हियर टू हियर एंड हियर टू हियर. मतलब लिक्विड फेज से वेपर फेज में, वेपर फेज से लिक्विड फेज में कंटिन्यूअस कन्वर्सन जो है वो कन्वर्सन चालू रहेगा. ठीक है, बट नंबर ऑफ पार्टिकल्स लीविंग दिस फेज एंड कमिंग टू दिस फेज आर गोइंग टू बी एग्जैक्टली सेम all the per unit time, and therefore a physical equilibrium will be established. ठीक है, physical equilibrium वाले इस condition में जो भी यहां का pressure रहेगा, ठीक है, that is known as saturated vapor pressure or simply the vapor pressure of the liquid. Vapor pressure of liquid at temperature T. Whatever temperature we are at, उस temperature पर उसका vapor pressure ये हो जाएगा. Am I making sense? Now, if I increase temperature, what will happen? The number of fractions or fraction of particle having sufficiently high energy will increase, and therefore the number of particles in gaseous phase will increase, due to which the saturated vapor pressure will increase. Is it okay? बात समझ में आ रही है? यहां पर fraction of particle having significantly high energy will increase, due to which the rate of outgoing will increase. So larger number of particles will come out. ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम में आने के टाइम पर यहां से इधर आने वाला अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स जो है वो भी इंक्रीज करेगा, बट इट विल इक्वलाइज एट अ हायर वैल्यू. राइट, इधर से इधर अगर टेम्परेचर 200 केल्विन पर, मान लो इधर से इधर और इधर से इधर इक्वलाइज जो है वो 700 पार्टिकल्स पर सेकेंड हो रहा है, पार्टिकल्स पर सेकेंड. ठीक है, तो 300 केल्विन पर क्या हो जाएगा? इट माइट बिकम 20,000 पार्टिकल पर सेकेंड. इनफ्लो एंड आउटफ्लो पर इक्वलाइज करेगा. इज दैट ओके? बात समझ में आ रही है? यस, वेरी गुड. सो मेरा वेपर, अब इधर से भी पार्टिकल्स ज्यादा आ रहे हैं इधर, इसका मतलब क्या हुआ? इधर पार्टिकल्स का काउंट बढ़ गया है. पार्टिकल्स का काउंट बढ़ा मतलब सैचुरेटेड वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा. ठीक है, इज दैट ओके? अच्छा, और सरफेस टेंशन इज बेसिकली द एनर्जी स्टोर्ड इन द सरफेस मॉलिक्यूल्स और सरफेस पार्टिकल्स ऑफ अ सिस्टम. किसी भी सिस्टम के सरफेस पार्टिकल्स में जो एक्स्ट्रा एनर्जी स्टोर होती है, बिकॉज ऑफ विच इट क्रिएट्स अ बाउंड्री फॉर द सिस्टम. ठीक है, उस चीज को सरफेस टेंशन बोलते हैं. फॉर्मल डेफिनेशन नेक्स्ट लेक्चर में मैं दे दूंगा आप लोगों को, बट दैट इज हाउ या नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हैं. नाउ द पॉइंट इज, अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ा रहा हूं तो व्हाट इफेक्ट विल इट हैव ऑन सरफेस टेंशन?
वेपर प्रेशर बढ़ गया, आपको पता चल गया टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इट इज गोइंग टू इंक्रीज, वेपर प्रेशर विल इंक्रीज राइट। टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा, वेपर प्रेशर कम होगा। ये बात समझ में आ गई है आप लोगों को, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? ओके, व्हाट विल हैपन टू द सरफेस टेंशन? सरफेस टेंशन क्या है फिर से एक बार सर? मतलब जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो सरफेस टेंशन कम होगा? कम हो जाएगा क्योंकि इंटर पार्टिकल स्पेसिंग बढ़ती है, जिसकी वजह से कूलिंग एक्टिविटी, इंटर पार्टिकल कूलिंग एक्टिविटी जो है वो क्या होगा, वीकन होएगा राइट, एंड देयरफॉर सरफेस टेंशन विल डिक्रीज। विस्कोसिटी जो होता है दैट इज डिफाइंड एज द रेसिस्टिव फोर्स, रेसिस्टिव फोर्स अप्लाइड बाय द लेयर्स ऑफ लिक्विड, ठीक है, फॉर मतलब वन लेयर ऑफ लिक्विड ओवर अदर लेयर ऑफ लिक्विड टू फ्लो ओवर इट। मतलब एक लेयर है लिक्विड का, इसके ऊपर कोई दूसरे लेयर का फ्लो अगर हो रहा है तो ये लेयर इस लेयर को के ऊपर जो रेसिस्टिव फोर्स लगाएगा दैट इज टर्म्ड एज विस्कस फोर्स, ठीक है? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? एक लेयर ऑफ लिक्विड दूसरे लेयर ऑफ लिक्विड के ऊपर जो फोर्स लगाता है, रेसिस्टिव फोर्स लगाता है इन ऑर्डर टू रेस्ट्रिक्ट इट्स मोशन इज नोन एज विस्कस फोर्स, ठीक है? Yes. अब अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो यहाँ पे भी इंटर पार्टिकल स्पेसिंग इस लेयर के पार्टिकल्स के बीच में बढ़ेगी और इस लेयर के पार्टिकल्स के बीच में बढ़ेगी तो विस्कस फोर्स क्या हो जाएगा, रेसिस्टिव फोर्स विल डिक्रीज, डिक्रीज राइट। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस, वेरी गुड। अब वेपर प्रेशर के साथ एसोसिएटेड एक छोटी सी चीज और होती है, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, अभी लाइक स्टैंडर्ड टेम्परेचर में सी सरफेस के ऊपर प्रेशर क्या रहता है, 180, ठीक है? तो एयर प्रेशर 180 एम है। अब यहां पर अगर मेरा कोई लिक्विड है और उसके वेपर प्रेशर को मैं हीट कर करके 180 एम कर दूं, ठीक है, तो व्हाट विल हैपन, एयर का जो प्रेशर है उसको ओवरकम करता हुआ मोस्ट ऑफ द पार्टिकल ऑफ द बल्ब विल ट्रांसफॉर्म इनटू वेपर फेज राइट। एयर पार्टिकल्स के प्रेशर को ओवरकम करते हुए मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स विल ट्रांसफॉर्म इनटू वेपर फेज, इज दैट ओके? The temperature at which the vapor pressure of a liquid becomes equal to 180 is known as its normal boiling point. Normal boiling point of a liquid कैसे define किया जाता है? The temperature at which the vapor pressure of a liquid becomes equal to 180. Is that okay? Yes. हम लोगों ने डिस्कस किया ना, टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, तो टेम्परेचर हम बढ़ाते जाएं जब तक वेपर प्रेशर 180 एम ना हो, और जब 180 एम हो गया तो वो टेम्परेचर को ही हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है? क्लियर है यहां तक की बातें? ओके, अब मुझे एक बात बताइए, अगर किसी वजह से मेरा एनवायरनमेंट का प्रेशर डिक्रीज करता है 180 एम के बदले वो 0.88 एम हो जाए, ठीक है, तो व्हाट विल हैपन टू द बॉइलिंग पॉइंट, विल इट चेंज विल इट नॉट चेंज? चेंज, चेंज क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा घटेगा? कम होगा, कम होगा,
घटना चाहिए राइट, इट विल डिक्रीज. व्हाई? क्योंकि रेसिस्टिव फोर्स जो है ऊपर से नीचे भेजने वाला वो कम हो गया है, तो द इक्विलिब्रियम विल गेट एस्टैब्लिश्ड मच अर्लियर. पहले 180 तक जाना पड़ रहा था इक्विलिब्रियम को एस्टैब्लिश करने के लिए, अभी क्या है 0.8 पर ही हो गया राइट ना. सो वेपर प्रेशर सॉरी अगर हम बाहर का प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर को डिक्रीज करते हैं तो मेरी बॉइलिंग पॉइंट जो है वो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट के कंपैरिजन में कम हो जाएगी. अगर बाहर का प्रेशर किसी रीजन से बढ़ गया तो फिर बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट के कंपैरिजन में इंक्रीज कर जाएगी, बढ़ जाएगी. ठीक है ओके. वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा और इसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा. ठीक है? Yes, sir. Okay. So with this, the last segment comes to an end. आप लोग का काम रहेगा अपनी HSC की बुक और प्लस NCERT से ये लास्ट वाले सेगमेंट जो है इनको एक बार पढ़ लीजिएगा. ठीक है? एंड कल के दिन में मतलब नेक्स्ट लेक्चर जब मैं दूंगा तो एक तो इनके डेफिनेशन वगैरह लिखवा दूंगा, और विस्कोसिटी के केस में देयर इज सम स्मॉल डेरिवेशन फॉर्मूला, जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है उसका एक फॉर्मूला होता है, तो वो फॉर्मूला मैं आप लोगों को बता दूंगा. इज दैट ओके? सर वो 4π वाला जो इसके अंदर था. हाँ हाँ वही वाला, वही वाला. ठीक है? हाँ सर. ठीक है फिर, वी कैन लीव नाउ. ओके सर, बाय.